सबसे पहले आता है इन्होंने जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, किधर गया वो पढ़ ही है मैंने, यहाँ पे जैसे आ रहा है भाई 5 वोल्ट आता है, क्योंकि सबसे कम जो है तो 5 वोल्ट आता है। उसके बाद 9 वोल्ट के जो यूपी है राउटर हमारे होते हैं वो टीपी लिंक के जो 1 है एंटीना जो पहले आते थे वो 9 वोल्ट वाले हैं। तो अब 9 वोल्ट वाला एंड 12 वोल्ट वाला, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब बहुत से लोग जो होते हैं इनका राउटर जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है, वो 9 वोल्ट वाला मंगवा लेते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता लगता है और बोल समझते हैं यार ये चलेगा, और वो फिर आगे सपोर्ट ही नहीं करता क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जो 9 वोल्ट को भी सपोर्ट नहीं करती है तो ये किसी खाते में नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई राउटर अपने लिए ढूंढे जो कि UPS ढूंढे जो कि आपके राउटर को सपोर्ट करे। अब आपको फाइंड कैसे करना है भाई कि आपका राउटर जो है वो कितने वोल्ट का है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके राउटर के जो नीचे है यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा लिखा हुआ मिल जाता है कि कितने वोल्ट का, अगर वहाँ पे ना दिखे तो सिंपल आपने चार्जर में अपने देख लेना है क्योंकि ओरिजिनल अगर हुआ तो दिख जाएगा, अगर आपने वो भी जुगाड़ का किया हो तो फिर अल्लाह ही मालिक है आपका यार, फिर इंटरनेट पर फाइंड करें कि आपके जो राउटर का ब्रांड है वो उस ब्रांड को कौन से वोल्ट का चार्जर लगता है वो आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने चार्जर पे जो है वो मिल जाता है कि आपका कौन सा अडाप्टर है इनपुट, जैसे 100 to 240 वोल्ट मतलब हर्ट्स वगैरह में आता है, जो आउटपुट है इसकी वो 12 वोल्ट to 1 एम्पीयर आती है। 12 वोल्ट मतलब कि हमारा जो ये राउटर है ये 12 वोल्ट सपोर्ट करता है। तो अब मुझे पता चल गया ये मेरा राउटर 12 वोल्ट का, मैं जो UPS ऑर्डर करूँगा वो भी 12 वोल्ट का ही करूँगा, उससे कम वाला इस पर काम नहीं करेगा। अब आते हैं कि ये जो राउटर के जो स्विचेस होते हैं, अब ये जो है ये PTCL का है और ये जो है मैंने Huawei के लिए मंगवाया था। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, अगर कंपैरिजन आप देखें तो ये जो Huawei वाला है इसका जो पोर्ट है आगे से मतलब लगने वाला ये थोड़ा मोटा है, जबकि PTCL का और कुछ हमारे प्रीवियस राउटर जो कि जिसमें TP लिंक भी आता है D लिंक भी आई थिंक सो आता है, तो उसमें जो मतलब कि नए जब हमारे प्रीवियस मॉडल्स हैं उनको ये पतली वाली पिन लगती है। अब आपने जब ऑर्डर करना हो तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके राउटर को कौन सी पिन लगती है, क्योंकि अब जो सेलर है उसे पता नहीं चलेगा कि यार आपको आजकल के जो फाइबर वाले जो मतलब फाइबर इंटरनेट फाइबर वायर वाला जो इंटरनेट है वो Huawei राउटर सपोर्ट करें वो चाहिए या फिर आपको PTCL का चाहिए। तो ये भी आपने ऑर्डर करने से पहले मद्देनज़र रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप ये मंगवा देते हैं Huawei वाला तो आपका जो राउटर PTCL का है, अगर ये आप PTCL वाला ये छोटी पेन वाला मंगवा लेते हैं आपका राउटर Huawei वाला है तो आपकी जो पैसे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वेस्ट ना भी हो अगर आप रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न करते हुए भी टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए पहले ही सर्च आउट कीजिए अपने राउटर पे, उसके बाद फिर अपना राउटर ऑर्डर कीजिए मतलब UPS और UPS जो राउटर का है वो ऑर्डर कीजिए। इस तरह का घटिया तरी ना कीजिएगा, मैंने सिंपल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको राउटर का UPS बनवाना ही है मार्केट में जाएं यार 800 से 1000 रुपये की छोटी वाली बैटरी होती है ना वो लें, वो लेने के बाद एक आइडिया आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। ये अब जो मेरी चार्जर है ना इस चार्जर की ये पिन है, अब इसकी पिक्चर मैं ले लूँगा, ठीक है। अब पिक्चर लेके मेरे माइंड में आ गया कि भाई ये चीज़ मैंने ले ली है, बैटरी लें, बैटरी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाएं, बैटरी आपने ले ली 800-1000 की बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाएं, उससे बोले भाई ये चीज़ जो है मुझे इस बैटरी साथ कनेक्ट करके दे दो, एक ऑन ऑफ वाला जो बटन है वो भी आप यहाँ से जो है लगवा लें, और साथ में ये जो जगह है वो आपको राउटर जो UPS होगा उसमें से आपको फिट करके दे देगा। अब चार्जिंग वाला पोर्ट जो है ना यहाँ पे वो आपको उस बैटरी में रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि यार बैटरी में भी किस्में होती हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो कि जिनमें पानी आप ऑयल डालते हैं वह तेल सा होता है उनमें, वो अगर ख़त्म हो जाए तो वापस डालते हैं आप, वो भी सस्ता सही है, तो वापस आपका जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है, उसकी चार्जिंग वाली पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तो आपकी बैटरी दूसरी वाली जो कि चार्जिंग दोबारा से हो सके, मतलब इस तरह की बैटरी कोई है नहीं, अगर फिर भी कोई ऐसी इन्वेंशन हो गई है तो आप चार्जिंग वाला पोर्ट भी से बोलें भाई इसमें कुछ ऐसा करके दे मुझे जिसमें चार्जिंग भी लग जाए और ऑन ऑफ वाला बटन भी हो जाए, और साथ में ही ये जो आपके राउटर को साथ लगेगा ये भी दे दें, क्योंकि वो जो बैटरी होगी वो बिल्कुल अपने शेप में होगी तो वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पे साथ में या फिर जैसे उसे बेहतर लगे इंक्लूड कर देगा, और वो जो बैटरी आप खुद से इन्वेंट करेंगे हो सकता है कि वो 2000 की पड़ जाए, हो सकता है वो 1500 की पड़ जाए, लेकिन जो चीज़ चलेगी ना वो आउट क्लास चलेगी, क्योंकि वो खुद की आपकी प्रोडक्शन होगी। तो साथ में जो आप बनवा रहे हैं आप उस बंदे को बोलेंगे भाई मुझे 12 वोल्ट का ये चीज़ चलाना है तो ऐसी बैटरी दो जो कि ये चीज़ चला सके।
तो अगर आप हो सकता है कि बैटरी से थोड़ी एक्सपेंसिव हो, अगर मार्केट में अच्छा राउटर है यूपीएस ये राउटर के लेने जाएंगे तो 3000 से वो भी प्लस प्लस है। अगर तो आपको 1500 की बैटरी मिलती है और साथ में 500 की सारी चीज़ें मिला के उसकी मजदूरी बन जाती है 2000 का भी आपको मिल जाता है, तो आप ये चीज़ खुद बनवा लें, ना कि मार्केट से घटिया तरीन चीज़ें ऑर्डर करें और अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया करें। ये जो घटिया तरीन चीज़ है ना, ये फिर डिलीवरी 650 की मुझे यहाँ पे पड़ी है, तो कुछ पैसे आप इंक्लूड करें और एक ही बार अच्छी चीज़ बनाएं और वो फिर बहुत सारा टाइम जो है वो आपका चल सके। तो होप्स आपके ऊपर ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी है अभी, ये थी हमारी वीडियो, माइंड में रखिएगा सारी बातें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।